दोस्तों हल्की हल्की बारिश हो रही है और देखो अभी मौसम बहुत ही प्यारा है और घर पे बैठने वाला मौसम तो बिल्कुल नहीं है। जैसे आप देख ही रहे हो कि पेड़ भी हिल रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, भैया बाइक पे निकल गए हैं और मैं ऑफिस से जस्ट थोड़ी देर पहले फ्री हुआ और मैं अभी कहाँ आया हूँ, मैं अपने बड़े मामू के घर आया हूँ। तो चलो फिर आपको लेकर चलते हैं आज अपने बड़े मामू के घर। तो ये रहे जी मेरे मामू, जिनको आपने तब देखा था व्लॉग में जो हमने नानी के घर आने का बनाया था, जब हम नानी के घर संडे को आए थे। तो मामू जी पैर पहनना, व्लॉग हो गया शुरू और मामू के घर हम आ गए हैं। लेकिन इस व्लॉग में भी आपके लिए सरप्राइज है जो कि मुझे फोन पे पता लग चुका है। दोस्तों व्लॉग शुरू हो गया और ये आपके लिए सरप्राइज तो बैठा है, अभी सरप्राइज आपको दिखा दें क्या? तो ये देखो जी हमारे ये मैगी वाले बाबा जी हैं और हमारी मासी जी हैं और ये हमारी मम्मी जी हैं। हम पहुंचे थे मामू के घर पे, लेकिन जैसे कि सालू हर जगह पाया जाता है वैसे मासी और मम्मी हर व्लॉग में होते हैं हमारे साथ, और ये लड़की हर जगह होती है। तो आज का व्लॉग शुरू हो गया दोस्तों मामू के घर पे, क्योंकि बड़े मामू के घर पे आए थे जैसे आप शुरू में मिल चुके हो, और ये इनकी कमी थी, ये भी आ गए हैं। और ये हमारी मामी जी हैं, आशा मामी हेलो। तो दोस्तों अभी बाबा जी से आप मिल लिए हो और मैं यूनिफॉर्म में हूँ, तो मैं एक मिनट में जाता हूँ, फट से चेंज करके आता हूँ, फिर आगे ब्लॉग कराते हैं। दोस्तों ऐसी मम्मी कहाँ मिलेगी आपको जो आपके लिए कपड़े तो लेके आए, मैचिंग मास्क भी लेके आए। तो कपड़े मैं चेंज कर चुका हूँ और बाहर जाने लगा हूँ मैं, तो चलो फिर आज पार्टी भी करते हैं बाबा जी का आशीर्वाद। ये देखो ये बता रहे हैं भोग कैसे लगता है, ऐसे लगता है बाबा जी भोग लगा भी रहे हैं अपना सारा। आज बाबा जी भोग में क्या क्या है? ये बाबा जी कुछ ज्यादा ही सेहतमंद लगते हैं। ये देखो चिप्स बिस्किट पता नहीं क्या था, फिर वो तो वो चलो प्रसाद लीजिए। जय बाबा जी प्रसाद दे। हम अपने मामू के घर आए हैं, तो सबसे पहले हमें चाय दी है मामू ने पीने के लिए। पीने के लिए सारे दोस्तों ये देख लो हमारी माता जी, हमारा भाई जो किसी व्लॉग में नहीं आता है, तो फिर माता लाए भाग के भेज रहे। तो हम कर रहे हैं मामू घर में 6 रुपए का, जैसे कि आप देख रहे हैं समोसे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है, चाय है हमारे लिए जो कि अभी गुड़िया ने कहा ये पीने के लिए दिया मामू ने। चाय पीने के लिए होती है, तुरंकों के लिए होती भी नहीं है, तो चाय आ गई है हमारी। कुछ तो लगेगा मामी को बुलाया जाए, उनको बोलते हैं चाय गरम करो। आजा हम दर्शन दो, आजा मामी 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 मामी। पापा समोसे कैसे हैं? बहुत टेस्टी। मम्मी अभी मामू ने भी पूछा आपको कि कैसे हैं समोसे, तो बहुत अच्छे हैं, ये जाने के स्पेशल हैं। इनको समोसों क्या कहते हैं, शिंदे के समोसे? हाँ सुनो बाबू मामा, ये समोसे आपने मुझे शिंदे वाले समोसे लाए? नहीं फिर नीचे प्रकाश की दुकान। तो ये समोसों को खा के आपकी जिंदगी प्रकाशमान हुई? हाँ।
द पर्सन बिहाइंड द कैमरा नीरज सुडोत्रा जी अभी समोसा खा रहे हैं। कौन सा समोसा आपका? आपका भी प्रकाशमान समोसा है। हाँ देखो, इन्होंने पीछे नेरे से आगे लाया तो प्रकाशमान हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये है मेरी मामी जिनको आपको एक झलक देखने को मिली थी। ये हम सबके लिए चाय बना रहे हैं। जब से हम आए हैं तब से इनको हमने काम पे लगाया हुआ, कभी मैगी तो कभी कुछ। इट्स वेरी गुड क्योंकि हमारी मामी बहुत अच्छी चीजें बनाती है हमारे लिए। हाय टू माय व्यूअर्स। हाय गर्ल, हाय। शाबाश। आज मामी की चाय सबसे टेस्टी होती है। देखो भाई, हम अगर आते हैं ना अपने नान के तो हम इस चाय का इंतजार जरूर करते हैं जब हम इस तरफ आते हैं। आवाज में आती है रात को। कौन सा भूत है? कौन सा भूत है? आती है ऐसे मुझे किसी ने सुनाया था जब मैं नानी के घर आती थी ना पहले वाले बचपन। हाँ। इसलिए हम थोड़ी जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। और ये भूत भूतों से डर रहे हैं। इंसान से भूत कौन लग रहा है? ये लग रहा है ना भूत? बिल्कुल नहीं। देखो, यही लग रहा है। ये देखो, आज साथ दे रहा है उसका। ये हमेशा मेरा साथ दे रहा है। नहीं ना, वो कर भी नहीं थी। चलो अब नानी के घर नहीं जाना। अब ये नहीं नहीं, जब ठीक करना हो ना दीवार को, टाइल वगैरह लगानी हो तो ऐसे तोड़ते हैं। हम तो नानी के घर आ रहे थे, ये कौन मिल गया हमें? चाय पीता हुआ क्या? हम लेट आए, हम वहाँ से लेट आए। हम वहाँ से लेट आए, जब हम आए थे तब आप यहाँ लेटे हुए थे। हमने फोन भी किया इसको। और क्या? वो देखिए अंदर क्या बना, पकोड़े बन रहे हैं। और ये डाली बेबी क्या बना रहे हो आप? चाय। चाय और पकोड़े, बिस्किट पकोड़े। कौन से पकोड़े बन रहे हैं? अंदर है गोभी के, आलू के, नंदू के। चलो चलो, आओ ये गंदड़ू नंदड़ू खाएगा। तो अभी समोसा पार्टी खत्म हुई है और पकोड़ा पार्टी शुरू हो गई है। ये पकोड़ी के पकोड़े हैं, माता का पकोड़ा। क्या? देखो ये अभी मम्मी ने कुछ ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से थोड़ी सी लाफ्टर हो गया सारा में। देखो मम्मी हंस रही है और पकोड़े खा रही है और मासी वहाँ बैठी है। हमने अभी जैसे कि आपने देखा, हमने समोसा पार्टी कर ली है और पेट पूजा भी हो गई है, हमारा डिनर ऑलमोस्ट हो ही गया इधर ही। तो इन्होंने मुझे ब्लॉग में तो नहीं लिया लेकिन एंड हम सही होता है। देखो जी, तो ब्लॉग का एंड करने के लिए नन्ना आ ही गया, तो आप भाई हमारा एंड करेगा। लगते भाई फिर एंड अच्छा था, फीचरिंग नहीं हो ब्लॉग चल नहीं सकता। ठीक है, मेरी वजह से आपने लाइक शेयर और कमेंट करना और यहाँ पे हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, इसकी वजह से लाइक करना, इसकी वजह से शेयर करना है और मेरी वजह से सब्सक्राइब कर देना है यार। तो आप सभी ने क्या रहना है? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। जय हिंद।